तो क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू 1.6 इज इमर्स्ड इन वाटर, तो पानी में डाल दिया, ग्लास प्रिज्म को हमने पानी में डाल दिया। कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस फॉर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 40 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। तो आपको क्वेश्चन में निकालना है कि जब आपने इसको पानी में डाला तो ये ग्लास है और ये वाटर है, एक ग्लास है और एक वाटर है, तो इसके अंदर रे ऑफ लाइट आई एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, रिफ्रैक्ट हुई और चली गई। ए आपको 60 डिग्री गिवन है, आपको इसमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालना है। देखो जो डेल्टा होता है वो I1 प्लस I2 माइनस A होता है। I1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में मुझे पता है कितनी, 40। I2 मुझे पता नहीं, इसमें I2 मैंने थीटा लिया हुआ है, कोई बात नहीं, I2 लेना I2, थीटा लेना थीटा, एक ही बात है। और A मुझे पता है इसमें 60, तो मुझे अब बेसिकली ये दोनों पता है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, थीटा। थीटा निकालने के लिए काम करते हैं, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ से R1 निकालो, कैसे, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ 40 और म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ R1। तो यहाँ वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, R1 आ गया। R1 और R2 क्या होता है, A। स्नेल लॉ से अगर R1 आ गया तो समझो सॉल्व करके क्या आ गया, R2 आ गया। अगर R2 आ गया तो यहाँ फिर से स्नेल लॉ लगेगा, म्यू जी इंटू साइन ऑफ R2, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो अब आपको यहाँ पे R2 पता है, म्यू वाटर पता है, ये भी पता है क्या आएगा, थीटा। इस थीटा को जब यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो मतलब लंबा, दो बार स्नेल लॉ और एक बार डेविएशन का फॉर्मूला इसमें लग रहा है, लंबा काम है थोड़ा सा। पॉइंट क्लियर है यहां तक। थिन प्रिज्म, देखो थिन प्रिज्म एंगल छोटे हैं, थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल सिर्फ 2 डिग्री, तो यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है, ए कितने है, 2 डिग्री। डेविएट थ्रू एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, डेविएशन कितने है, 1 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जब एंगल छोटे हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा का ये फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो लगा लेना इसमें, आपको म्यू निकालना है, डेल्टा और ए दोनों पता है आंसर। बस ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। शो दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म, फिर से थिन प्रिज्म, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इज रिड्यूस्ड टू 1/4, तो एंगल ऑफ डेविएशन कहता है डेल्टा 1/4 हो जाता है जब प्रिज्म एयर में पड़ा हुआ है। व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, मतलब एक बार प्रिज्म को एयर में रखा, एक बार प्रिज्म को वाटर में रखा, तो आपको ये बताना है कि दोनों में डेविएशन डिफरेंट आएगी, दोनों के डेविएशन में 1/4 का फर्क होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपने, आपको थिन प्रिज्म गिवन है, तो आप थिन प्रिज्म का फॉर्मूला लगाएं, एक बार डेविएशन निकाल लें, ग्लास जब किस में पड़ा हुआ है, एयर में, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 पता है, तो ये आपके पास डेल्टा वन आ गया। फिर आप क्या करेंगे, उसको रखेंगे वाटर में, तो म्यू ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ब्रेक करेंगे, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, नेक्स्ट डेविएशन आएगी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेविएशन को डिवाइड कर लेंगे तो डेविएशन की रेशियो आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें सॉल्व, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि दोनों में डेविएशन डिफरेंट आएगी, एयर में डिफरेंट और वाटर में डिफरेंट, और दोनों के डेविएशन को आपने डिवाइड कर देना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इतनी बार ये पेपर में आया है बोर्ड के, लोगों को इसका आंसर √2 याद है, याद हो जाता है, इतनी बार आया है, तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। एज शोन इन द फिगर PQ इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म ABC, कह रहा है PQ को 90 डिग्री पे, ये फिगर गिवन होगी, PQ को 90 डिग्री पे हिट करवाएगा। शो दैट कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंड एमरजेंट रेस, कह रहा है कि मुझे डायग्राम बना के दिखाओ कि रे जो प्रिज्म से बाहर निकलेगी वो कैसे निकलेगी। क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटीरियल इज 45 डिग्री, इसमें गिवन है क्रिटिकल एंगल कितना है 45 डिग्री, और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालो, तो √1। और हाँ, यहाँ गिवन है ये एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री, गिवन करो ये 45 डिग्री गिवन है। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, रे 90 डिग्री पे आएगी, कहीं बेंड नहीं होगी, सीधी यहां हिट करेगी, √1 क्लियर, नॉर्मल के साथ आ रही है, आपको ये 90 पता है, ये 45 पता है, तो ये एंगल 45, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना 45, तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 45, पर क्रिटिकल एंगल भी कितना 45, तो रे बाहर निकलेगी नहीं, रे सीधी ही आ गई, तो ये बना देना, क्योंकि इसमें TIR क्रिटिकल एंगल के इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्रिटिकल भी 45,
आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45, तो रे बिल्कुल सीधी निकलेगी। क्लियर है यहां तक? फिर म्यू निकालना है, म्यू क्या निकालना, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c √2 आंसर आ गया। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो बहुत बार पेपर में आती है।